नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी से है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही रेड कलर का बटन दिया है सब्सक्राइब, जिसका कोई प्राइस नहीं लगता दोस्तों, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपको डायरेक्ट सेलिंग और भी नेटवर्क मार्केटिंग और मोटिवेशनल वीडियोज आपके लिए बनाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्विटेशन कैसे करें। इन्विटेशन सबसे बड़ा पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का। जब हम इन्विटेशन करते हैं तो हमें क्या क्या तरीके यूज करने चाहिए, क्या क्या हमें चीजें बतानी चाहिए, क्या क्या नहीं बतानी चाहिए, और किस तरह से हम एक फ्लो में अगर हम बोलते जाएंगे और एक तरीके से जो भी चीजें हमें यूज करनी है, जो चीजें हमें अट्रैक्ट, जिससे हमारा जो बिजनेस, जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ने वाला है वो अट्रैक्ट हो जाए हमारे बिजनेस के लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। इन्विटेशन करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब मैं आपको वह नहीं बता रहा जो आपके माइंड में आ रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, या आपकी जो भी लैंग्वेज है, मदर टंग है, आप वो बहुत अच्छी बोल लेते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन, आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते हुए आप किस तरह से उससे बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप उससे पहले बात करते थे कि क्या हालचाल है, तो कैसे हो आप, आप इस तरह से बात करते थे, और आप अब उनसे मिल रहे हैं, अब उस फ्रेंड से या फिर अपने किसी भी रिलेटिव से मिल रहे हैं, तो आप उससे बात कर रहे हैं, भैया कैसे हो आप यहां नहीं गए, वहां नहीं गए, मतलब जस्ट आपने अपने आप को चेंज कर दिया बिल्कुल। नहीं, आपने अपनी कम्युनिकेशन को इस तरह से रखना है कि जस्ट जैसी फ्रेंकली आप पहले बात करते थे वैसे ही आपने बात करनी है। कम्युनिकेशन इस तरह से आपने बात करनी है। और मैं आपको कम्युनिकेशन के अंदर चीजें बता देता हूं, अगर आपने यह पार्ट समझ लिया कम्युनिकेशन का तो आपकी इन्विटेशन बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किस तरह से आपने करनी है, आपने सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देने की बजाय आपने किस तरह से बोल रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट इतना, कहते हैं ना कि एक वाणी होती है, एक आवाज होती है किसी की कि जिससे दूसरा आदमी इंप्रेस हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर प्यार से गाली भी दी जाए तो वो गाली नहीं लगती, तो इस तरह से आपने बोलना है। इतनी प्यारी वॉइस आपकी होनी चाहिए, इतनी प्यार तरीके से आप बोलने चाहिए कि उसको लगे कि हाँ यार ये मतलब अपना ही है। इस तरह की वॉइस आपने यूज करनी है इन्विटेशन के टाइम। यानी कि ज्यादा मैटर सब्जेक्ट नहीं करता, ज्यादा मैटर प्रोडक्ट नहीं करता, ज्यादा मैटर आपकी कंपनी नहीं करती, ज्यादा मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन। आप जितना ज्यादा अच्छे तरीके से समझाओगे, इतना अच्छा तरीके से आपका लहजा बात करने का, ये कम्युनिकेशन में मैटर आ जाता है। तो ये आपने अच्छा करना है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बता देता हूं। दूसरा पॉइंट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब है आप किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से आपने बातचीत करनी है उसके साथ, अपने जो भी जिसको भी आप बिजनेस में इन्वाइट कर रहे हैं उसके साथ किस तरह से आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप उसे इनवाइट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, उसे नॉर्मली बातचीत करनी है। ये नहीं कि आपने डायरेक्टली उसे बिजनेस के बारे में पूछ लेना है कि हाँ यार एक बिजनेस है, मैं वहां पे काम करता हूँ इस तरह से। ठीक है, वो आपने नहीं बताना, वो आपने बाद में बताना। पहले आपने जो चीजें पूछनी है कन्वर्सेशन, जब बात शुरू करनी है, तो उसके सबसे बड़ी बात है फैमिली के बारे में पूछना है। आपने फैमिली के बारे में पूछना है कि और क्या, पहले तो खुद के उसके बारे में पूछ लीजिए कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे है, क्या आजकल तू क्या कर रहा है। ये चीजें आप नॉर्मली पूछिए जैसे आप पूछते हैं किसी भी पर्सन से। ठीक है, उसको किस तरह, ये नहीं होना चाहिए कि यार ये अजीब लग रहा है मुझे पूछते हुए या फिर कुछ इस तरह का। ठीक है, या फिर अगर आप नॉर्मली चीजें ये नहीं पूछते, जो भी आप पूछते हैं उस तरह की आपने नॉर्मल बातें करनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये बातें कर लेते हो, उसके बाद आपने फैमिली के बारे में पूछना है, क्योंकि एक होता है कि जब फैमिली के बारे में पूछते हैं तो इमोशनली थोड़ा सा उसके दिल में लगता है कि हाँ यार मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, तो वो अपने आप ही अपने भी विचार आपके सामने रखेगा, आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा कि आपकी फैमिली में जो मेंबर हैं, आपके दी हैं, आपके मम्मा हैं, आपके डैड हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल, कैसे हैं, अच्छे हैं। तो ये चीज आपने पूछनी है। और ये नहीं कि आपने जो एक्सप्रेशन देने हैं वो ये नहीं है कि आप देख इधर रहे हो,
देख उधर रहे हो और पूछ रहे हो मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, भाई के बारे में, आपका आईज कॉन्टेक्ट अच्छा होना चाहिए और आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। जब आप स्माइल से बात करेंगे किसी से तो आपकी इंप्रेशन बहुत ही स्ट्रांग जाता है और आपकी बात भी वो ध्यान से सुनेगा। और आप अपनी फैमिली के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, उसके बाद आपने क्या पूछना है, फैमिली के बारे में पूछने के बाद आपने ऑक्यूपेशन पूछना है, यानी कि जॉब के बारे में कि आप क्या कर रहे हो आजकल, कौन सा काम कर रहे हो, इस चीज के बारे में पूछना है। सैलरी भी पूछ सकते हैं आप कि क्या सैलरी मिल रही है, कैसा चल रहा है तुम्हारा जॉब, जो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब कैसी चल रही है, क्या काम करते हैं। तो आप डीप में चले जाइए, पूछ लीजिए उनसे। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग में किस तरह का आपका काम चल रहा है, तो ये सब आपने पूछ लेना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन के बाद आप पूछ लीजिए कि मतलब किस तरह से आपका जो भी आप, अगर आप कार लेने वाले हैं कोई न्यू चीज, आप क्या लेना चाहते हैं, या फिर इस तरह का कुछ, यार आप खुद अपना एग्जांपल दे दीजिए कि हाँ यार मैंने कुछ टाइम पहले अभी कार ली खरीदी है, या फिर आपने बाइक खरीदी है, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ यार कार बहुत अच्छी आ रही है, कोई मारुति की आ रही है, किसी कंपनी की आ रही है, तो वो आप डिस्कस करिए उनके साथ, ठीक है। और ऐसे ही घुमाते घुमाते आपने एक चीज और पूछ लेनी है कि यार मेरा मन करता है शायद मैं बुगाटी बैरॉन खरीदूं, या फिर मैं बड़ी कोई कार खरीदूं, तो ये माइंड में मेरे आता है। तुम्हें या आप नहीं सोचते हो कि यार तुम्हें भी कार खरीदनी चाहिए कोई बड़ी, तो वो अपनी एम्बिशन को, अपने एम्स को, या फिर अपने जो माइंड में सोचा वो भी अपने अपनी चीजें आपके सामने रखेगा, वो भी कहेगा कि हाँ यार मेरा ही मन करता है, मैं भी ऑडी में घूमूं। तो फिर आपने क्या करना है कि लास्ट पॉइंट में आना है कि पैसा, मनी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मनी किसी को भी, ज्यादातर ये होता है कि सबकी एम्बिशन अलग अलग होती हैं, पर ये है कि मनी पैसा सबको चाहिए होता है। मान लीजिए आपने बोला है कि किसी का कोई एम्बिशन होते हैं, किसी के कोई एम होते हैं, ठीक है, कोई चाहता है कि मेरा मुझे एक्टर बनना है, किसी को पैसे से ज्यादा प्यार नहीं होता है एज कम्पेयर टू उसकी जो मतलब वो करना चाहता है उसका प्रोफेशन। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, पर उनके पास कई बार मनी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम आपने मनी के बारे में बात करनी है ज्यादा और पूछना है कि हाँ यार तू मतलब लाइफ में क्या बनना चाहता था, उसको बताना है, उसके एम्बिशन को जगाना है, उसके जो भी एम्स है उनको उठाना है और कहना है कि यार तू ये करना चाहता था और अब क्या कर रहा है तू। अगर वो उस चीज के लिए भाग रहा है और उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रही हैं, तो आपने बोल देना है क्लियरली उसके बाद कि भाई एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जब मैंने वो प्लेटफॉर्म देखा था तो मेरे सारी दिमाग की तारें खुल गई और मुझे मजा आ गया वो देखकर। आपने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और बहुत ही अच्छे मन के साथ स्माइल देते हुए कहना है कि यार ऐसा बिजनेस मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, जो बिजनेस मैंने आज ज्वाइन किया है उसमें मेरे सारे मन की तारें खुल गई और मुझे लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मेरी सारी एम्बिशन, मेरे सारे एम, मैं बड़ी से बड़ी कार, बड़ी से बड़ा मकान जहां चाहे वहां मैं पूरी कर सकता हूं इस बिजनेस के थ्रू। आपने ये चीज उसके सामने रख देनी है खोलकर और पूरे सही तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट को समझाना है। ये नहीं है आपने उसको बोल दिया कि यार हर एक चीज वहीं बता दी, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने जस्ट उसको इन्वाइट करना है, उसको जस्ट बोलना है कि अगर तू लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं, तू मुझ पर विश्वास करता है? कहेगा हाँ मैं आप पर विश्वास करता हूँ। तो आप बोलिए कि मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा करना चाहता हूँ जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी सारी एम्बिशंस को, सारे एम्स को पूरा कर सकते हो। ये चीजें आपने बोलने के बाद उसको बोलना है, उसको आपने डेट बतानी है कि इस तारीख को, या फिर जब भी आपका सेमिनार लगता है या आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उस ट्रेनिंग के बारे में उसको बताना है कि मान लीजिए आपकी जो ट्रेनिंग है वो मंगलवार से स्टार्ट है, तो आपने उसको कहता है कि मंगलवार को तू फ्री है क्या? वो कहेगा कि हाँ डेफिनेटली मैं मंगलवार को फ्री हूँ। अगर वो फ्री नहीं है तो आप उसको बताइए कि जब भी वो फ्री होगा मुझे बता दे, ठीक है, क्योंकि मीटिंग यार एक बार ही होती है, ठीक है। इस तरह से आपने उसको बताना है कि मीटिंग यार बड़ी मुश्किल से लगती है, बहुत टाइम बाद लगती है, तो अगर तू जब भी फ्री होगा मुझे बता देना, मैं तेरी मीटिंग अरेंज करवा दूंगा जिससे तेरे को बेनिफिट होगा और तू मीटिंग अटेंड कर पाएगा, वहां पर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। अगर वो इंसिस्ट करता है कि यार बहुत ज्यादा पूछता है कि यार मुझे बता क्या है क्या नहीं, तो आप उससे बोल सकते हो कि यार सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे भी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, तू जब वहां जाएगा तो वहां पर तू खुद देख लेगा कि यार किस तरह से बिजनेस है, मुझे बस जितना पता लगा है कि वो बिजनेस काफी अच्छा है जिससे मैं अच्छा अर्न कर सकता हूं। और इस तरह से आपने सारी बात उसे समझानी है।
ठीक है। तो दोस्तों यह इस तरह से आप इनविटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।